अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, नया हलफनामा दाखिल कर कहा, गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहने पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट, चुनाव आयोग ने कहा ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। हिंसा के चलते चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल को त्रिपुरा पश्चिमी सीट की 168 पोलिंग बूथ पर हुए मतदान को रद्द किया, 12 मई को यहां दोबारा वोटिंग। अमेरिका के कोलोराडो के स्कूल में फायरिंग में एक बच्चे की मौत, 8 बच्चे घायल, 2 संदिग्ध हिरासत में। पाकिस्तान के लाहौर में सूफी दरगाह के पास धमाका, 4 सुरक्षा बलों समेत 5 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस 5वीं बार फाइनल में पहुंची, पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। आज एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने।